फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजभर, आज आपके सामने है TVS राइडर 125 मॉडिफाइड होने वाला है। इसके अंदर सबसे पहले देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर, जो कि लगा दिए गए। आपने देखा होगा वैसे बहुत बड़े बड़े वाइजर, बड़े बहुत ही स्लिम वाइजर है जो कि इसके अंदर लगा दिए गए। लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुआ था इसे लगाने के बाद, आप देख सकते हैं। साथ में क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी और प्रॉपर फिटमेंट है इसकी। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा नीचे, ये देख सकते हैं, ये है इसकी विंगलेट जो कि इंस्टॉल कर दी गई है इसके अंदर। ये भी प्रॉपर फिटमेंट के साथ है जो कि लगा दी गई है। साथ में आपको मिलते हैं इसके अंदर KTM वाले इंडिकेटर, आप देख सकते हैं ये KTM वाले इंडिकेटर हैं, जिसे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये, और रोशनी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हैं आप, जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं। और साथ में आपको मिलता है इधर देख सकते हैं, ये है इसके हैंड गार्ड, जिससे आपके हैंड भी सेफ होते हैं, साथ में आपके लीवर भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और उसमें रोशनी मिलती है आपको वाइट कलर की, जो कि आप देख सकते हैं, और प्रीमियम क्वालिटी है इसमें। और बहुत सारी क्वालिटी आती है, क्योंकि इसमें जो DRLs है वो को वाली DRLs है, नॉर्मल वाले के अंदर आपके डॉटेड 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 होते हैं, वो होते हैं थर्ड क्वालिटी, जो कि हम यूज़ नहीं करते। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगा देंगे हॉर्न, वो है आपके D95 हेला। साउंड ज़बरदस्त ऑसम साउंड है इसकी, जो कि इसके अंदर लगा देंगे, वो भी विद रिले से। ये बेनिफिट होता है कि आपका जो बैटरी का इशू है वो हो जाता पूरी तरीके से ख़त्म। और उसके बाद सेम जैसे आपने आगे इंडिकेटर देखे, सेम मिलते हैं आपको बैक साइड भी, देख सकते हैं KTM स्टाइल वाले बैक साइड में इंडिकेटर आपको KTM स्टाइल में मिल जाते हैं, देख सकते हैं। ये भी सेम वही है, फ्लेक्सिबल वाले इंडिकेटर। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगा दिया गया है टायर हगर, जो कि टायर हगर है, ये देख सकते हैं, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगा दिया टायर हगर, जो कि आपको मिलता है विद रिफ्लेक्टर मिल जाता है इसके अंदर, और ये बहुत ही हैवी क्वालिटी के अंदर। बाकी इंडियन एक आता है जो बहुत ही हल्का होता है, हम वो यूज़ नहीं करते, इंपोर्टेड यूज़ किया। इंपोर्टेड में क्या होता है, क्वालिटी ज़्यादा अपग्रेड मिल जाती है उसके अंदर। और इसकी पत्ती वगैरह क्लैम्प वगैरह ना, ये क्लैम्प काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है उसका, तो आप देख सकते हैं लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है। साथ में आपका जो डस्ट है वो सारी हो जाती है, आगे इधर जो होल्ड होनी थी वो इधर ही रोक देता है आपके। साथ में इसमें लगाया गया SC प्रोजेक्ट का आपको एग्जॉस्ट, जो कि देखने को मिलेगा इसमें ब्लैक कलर का, जिसमें शॉर्ट बैंड पेप के साथ लगा दिया, कटिंग करके लगवाया गया इसके अंदर। और मैं सुनाता हूँ इसकी आपको साउंड, ये देखिए, ये आपके हो गई आइडल पर, और अब देता हूँ आपको थ्रोटल। ये तो ऐसा लग रहा है सुपर बाइक निकल के जा रही हो, निंजा वगैरह। तो आप देख सकते हैं ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, जो कि मैंने आपको दिखाया। इसमें फुल सिस्टम बैंड पंप नहीं लगवाया है, सिर्फ इसमें लगाया एग्जॉस्ट, वो भी आपका कटिंग करवा के, क्योंकि हर किसी का अपना बजट होता है, बजट के अकॉर्डिंग काम होता है। ज़रूरी नहीं कि फुल सिस्टम में लगवाना है, आप चाहो तो बिना बैंड पाइप के भी लगवा सकते हो, जैसे कि भैया ने लगवाया है इसके अंदर। और अब मैं मिलवाना चाहूँगा भैया को, जिन भैया की ये बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा। हेलो भैया, तो आप कैसे हैं और आपको ऑल अबाउट हमारा काम कैसा लगा। ये काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी उसके बाद देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। फिलहाल के समय में आपको कैसा लगा सारा। नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको, और रेट वगैरह का कोई इश्यूज नहीं है इस तरीके का आपको? नहीं, ठीक है। बिहेवियर वगैरह कस्टमर का, सॉरी मतलब हमारे स्टाफ का? नहीं, ठीक है। हम ऑनर का एंड बाकी नहीं, सारे लोग अच्छे हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोग मुझे अच्छा कहते हो, तो ऑल अबाउट सब कुछ पूरी से सेटिस्फाइड हो आप? बढ़िया सब। तो जो आपका बजट है उस बजट के अंदर काम हो गया आपका, तो अंडर बजट वाला ये काम था जो कि भैया ने इसके अंदर करवाया है। और वीडियो अच्छी रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले बिल्कुल भी। राजू भाई SKD को जो कि आपको मिलने वाला है YouTube पर भी, और सेम मिलेगा आपको Instagram पर भी। तो जल्दी से जिन्हें नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, गिव अवे का ऑफर लाने वाले जल्दी ही।